ये थे जनाब हाफिज मोहम्मद वसीम लक्ष्मी जो कि बारगाह रिसालत पाक में हदिया अकीदत पेश कर रहे थे। इन्होंने आखिरी इसरा पढ़ा ये सैयदा दादा असी खाते रवाते इसे मुझे एक शेर याद आया कि रिस्क देते हैं रिस्क देते हैं मार देते हैं हसरत देते हैं निकाल देते हैं मैं भला किसी से क्यों मांगूं मुझे तो जानवर के नाल देते हैं। जरा मोहब्बत अल्लाह को सुभान अल्लाह एक बार फिर आपको सुभान अल्लाह जेड़े पीछे बारी 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 होई होई दिल कर कह दे दे सवाब दे दे बाकी अपना अपना मुकद्दर है दिल कर आपको जरा सुभान अल्लाह। नलेने मोहम्मद से जो कभी गर्द छड़ेगी नलेने मोहम्मद से जो कभी गर्द छड़ेगी मैं नफल पढ़ूंगा जो मेरे सर पे गिरेगी दांतों से उठाता हूँ मैं नलेने मोहम्मद आका मेरी जन्नत में जरूरत पड़ेगी आका मेरी जन्नत में जरूरत तो पड़ेगी। अब मैं बिना तामीर दावत ना दे रहा हूँ फखरे इस्लाम फखरे नाद जनाब मेरी मुराद ज़ियाउर रहमान बिन साईद से है कि वो आए और बारगाह रिसालत के मकाम में हदीय अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करें। इस्तकबाल दारों की सूरत में नारा ए तकबीर गज गज के बोल रहा मेरे वीर नारा ए तकबीर मोहब्बत ना लाला सुभान अल्लाह यो यो नहीं जहां में चर्चा हुआ है कुछ देर कर हुआ है जमाना हुसैन का सर दे के दो चाचा की हुकूमत करी दी मैं क्या पड़ा यजीद का ज्यादा ले फिर मैं आपको दुआ दे अकबर ते असगर ते सुजरा दा सदका अकबर ते असगर ते सुजरा दा सदका मौला रता कर जहरा दा सदका मैं भी हक दीवाना हुसैन दा मैं भी हक दीवाना हुसैन दा मैं भी हक दीवाना हुसैन दा क्योंकि ये थे जनाब मोहम्मद ज़ियाउर रहमान बिन साईद जो कि बारगाह रिसालत पाक में हदीय अकीदत पेश कर रहे थे। मेरा जीरा दो दो नौबत में गुजरा है जो शेर मैं अब आपकी समातों को लेकर रहा हूँ इसे भला शेर मेरे पास नहीं
बहुत बड़ी बात निकली है कि जो शेर अब आपकी समातों की नजर करने जा रहा शेर क्या है सुनिएगा, सुनने के बाद जो जो बैठा है दोनों हाथों को बुलंद करके सुभान अल्लाह की सदा बुलंद कर दी है कि मुमकिन नहीं किसी से अदावत हो सकेगी। या भाई 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 मुमकिन नहीं किसी से अदावत हो सकेगी। सांसों में बढ़ रही है सहाबत हो सकेगी। बाजार के हुजूर से एक दो के चुप रहे बाजार के कर रहा है तिलावत हो सके।